Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Vishwamas vlog. और मैं आ चुकी हूँ घर, एंड ऑफ कोर्स हम दोनों आ चुके हैं घर क्योंकि बज गए हैं 8 और 8 बजे तक हम आजकल घर आते हैं क्योंकि यही टाइम हो गया है हमारा घर आने का। और ये हमारे प्यारे प्यारे कुशन जो सेटअप आपने देखा था यहाँ पे बीन बैग्स रखे थे, तो वो सेटअप हमें किचन में बंद करना पड़ा है क्योंकि ये भैया जी उनको फाड़ देते हैं अकेले होते हैं, क्योंकि जब भी एक पटाखे की आवाज़ हो चाहे ना हो ये गुस्से में आके फाड़ देता है। एक गंदा बच्चा, एक बैड बॉय है ये, ऐसा कैसा बैड बॉय, ये नानू बैड बॉय ऐसी होती है। थप्पड़ मारूंगी, बोलते तो कुछ है नहीं, सारे भी गंदे मेरे ऊपर ही ब्लेम वाले करती है। आप कुछ अच्छा तो बोलेगी नहीं और मेरे को ब्लेम कर देगी आपकी नज़रों में कि मैं बहुत गंदी बुरी लड़की हूँ। मैं बहुत मारूंगी तक बता रही हूँ, ब्लॉग व्लॉग तो बनाएगी नहीं, आ जाएगी यहाँ पे मुंह उठा के। भाई सब हम जा रहे हैं, हमें को एक्चुअली जैसे आपको बताया कि हमारा कहीं प्लान हो रहा है जाने का, तो उसके लिए हमें ट्रिप पे जो जा रहे हैं उसके लिए हाथों पे जो ये बहकस के लिए बाल हुए हैं इनने सारे, इनको बहकस करानी पड़ेगी। पहले हम जा रहे हैं बहकस कराने, वेयर इज माय स्लीपर्स, अच्छा वहीं पे। सो अभी हम जा रहे हैं बाहर, इसने बोला अफ्रीका रांची गुजरात जा रहे हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम, बट अभी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना भाई, कहीं जाएंगे तो मैं बेचारे फिलहाल बैग्स करा रहा हूँ। देखो कैसे खड़ा हो गया गेट के पास, इसको देखो। वैक्स करा के मैं आ चुकी हूँ और वैक्स कराने के बाद मैंने सोचा तैयारी तो करनी है भाई, ट्रिप पे जाना है तो थोड़ी बहुत तैयारी होनी बनती है, करनी चाहिए। तो मैं अपने हेयर वॉश भी करके आ चुकी हूँ, हेयर वॉश नहीं मैंने मेहंदी लगाई थी गाइस आज, ये और मेरा कैमरा गंदा हो रहा है, रुको भाई। और जय देखो अब ठीक, और गाइस ये मोटापे का क्या होएगा, इस लड़की को अभी तक व्लॉग नहीं बनाया था, जैसे ही मैं व्लॉग बनाती हूँ इसमें पीछे पीछे आ जाती है, मेरे को नहीं लेना है इसका वीडियो में, मैं नहीं लूँगी, ये और बन गई है बेटा, और को ले लेंगे हम, हाँ किसी को लेंगे। आशु क्या हुआ, क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई, क्या हुई, मेरे चुंदड़ू, मेरे पुंजड़ू, मेरे चुंदड़ू पुंजड़ू, क्यों घूम रही हो तुम मेरे पीछे पीछे, दूर रहो। गाइस ये वैसे व्लॉग नहीं बनाएगी और फिर वैसे भागी भागी आ जाएगी, जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी वैसे गुज जाएगी गूंगी होके, ए गूंगी मथान, गूंगी मथान। मेरे को ना जब मम्मी से डांट पड़ती थी ना और फिर मम्मी कुछ पूछ रही तो मैं आंसर नहीं करती थी, तो मम्मी कहती थी अब बैठ गई गूंगी मथान बन के। मथान होता मथान नहीं होता, जब मैं बोलती थी वैसे ही समझ जाओ, तुमको पता है ना ज्यादा अकल वाली मंगाया, मैंने नहीं मंगाया जिसने खुद मंगाया, क्योंकि ये दीदी ने आज सुबह सुबह अपनी उंगली काट ली थी और पूरे दिन भर गंगा जमुना बह रही थी इसके खून की, अपने सर के पीछे ये रखूंगा तो अभी मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक हुआ, एकदम थोड़ा सा एकदम हल्का सा, बट सो आप जरा कैमरा ढंग से पकड़िए, पूरे व्लॉग में होम टूर के व्लॉग में 500 लोगों ने हमारे घर की तारीफ की, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, इसके लिए हम दोनों साथ में आएंगे, आएंगे हम साथ में आएंगे, हाँ तुम अकेले के अच्छा लगता है, मैं अच्छा लग रही हूँ ऐसे कर रही है। ओके तो हाँ, एज आई वाज सेइंग कि इतने सारे लोगों ने तारीफ किया एंड थैंक यू सो मच गाइस, किसी को हमारा रूम अच्छा लगा, किसी को हॉल अच्छा लगा, किसी को अतरंगी चीज अच्छी लगी, एंड जैसे कि हमने ऑलरेडी ये लाइन कल के ब्लॉग में बोल दी है कि हम ऑलरेडी बता देंगे कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, उसके लिए अलग से बना देंगे, बट एक कमेंट ने ऐसा हाईलाइट जो किया मुझे पर्सनली वो ये था कि आपने बाथरूम के सामने भगवान जी की फोटो का स्टीकर लगा रखा है, आप मेन वर्ड जो इनका हाईलाइटेड था वो आप हिंदू हो, एंड आई वाज लाइक कमान या ऐसे कमान लिखा था उन्होंने, कमान वर्ड था अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश। भाई सबसे पहली बात यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया, सेकंड चीज भाई ये जो घर है ना ये रेंटेड घर है और ये स्टीकर नहीं है, ये
दिस इज नॉट अ स्टिकर, दिस इज अ प्लाई, दिस इज अ लकड़ी का दरवाजा, और लकड़ी के दरवाजे पे जिसका ये घर है उन्होंने ऑलरेडी ये दरवाजे ऐसे ही बनाए हुए हैं। बाहर मेन डोर का भी गेट ऐसा ही है भगवान जी का, और यहाँ वाला भी भगवान जी का ही है, और ये उन्होंने पता नहीं क्यों बनवाया है यहाँ पे बाथरूम के गेट के, आई नो उसे होना नहीं चाहिए कि बाथरूम के बिल्कुल सामने भगवान जी, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम इस पे कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने जो कर दी हैं ऑलरेडी, क्योंकि यार रेंटेड हाउस में हम ज्यादा चीजें नहीं कर सकते हो, हमें जितना अलाउड है हम कीले वीले ठोक सकते थे उतना कर सकते थे, इसलिए अगर आपने देखा होगा हमने वॉलपेपर भी सिर्फ उतनी सी दीवार पे लगाया है कि इन फ्यूचर जब हम उसको हटाएं तो हमारे ऊपर बर्डन ना आए या फिर हमारे चीजों में से ना पैसे हमें एक्स्ट्रा ना देने पड़े, बिकॉज जब आप रेंटेड हाउस में रह रहे हो तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इतनी अकल हमें भी है कि बाथरूम के बाहर भगवान जी नहीं होते, और इसी वजह से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बाथरूम का जो गेट है क्लोज ही रखते हैं। एंड ये कोई स्टिकर, कोई स्टिकर नहीं है, और यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि भाई आप इसको ढक के रख सकते हो तो भाई नहीं रख सकते, भगवान जी को हमारे यहाँ ढक के रखना नहीं सिखाया गया, बिल्कुल, या फिर भगवान जी को मैं छुपा दूँ एंड एक और चीज लगा के, ये जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया था ना, आप हिंदू हो इतना आपको पता होना चाहिए, पता है आपके से ज्यादा ब्राह्मण हूँ मैं, हिंदू से भी मतलब हिंदू तो होते ही है, मैं वो पंडित हूँ जो पूजा पूजा करवाते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात, रिलीजन को बीच में ना लाया जाए, हम कभी नहीं लेके आते, अब हमारे मैं आई मीन मेरा ये पर्सनल है, मेरे को अगर कोई फॉर्म भी मिलता है ना रिलीजन वाले को, मैं हमेशा इंडियन लिखती हूँ, मैं वहां पे आज तक कभी नहीं लिखा पंजाबी हिंदू ब्ला, मैं सब इंडियन डालता हूँ, किस में वहां पे रिलीजन ज्यादा लगता है, तो माने आईएलएस के आईएलएस में नहीं भरा होगा कभी, या फिर कोई एग्जाम जो होते हैं उनमें कभी नहीं तुमने हिंदू ये डाला क्रिश्चियन मुस्लिम, मैंने पंजाबी या ऐसा कुछ कभी नहीं डाला, जनरल जैसा ओके पर जगह लिखा होता है ना अबाउट हिंदुइज्म जैनिज्म बुद्धिज्म ऐसा कभी तुमने फिल नहीं करा, तुम ऐसे कभी मिले ही नहीं होंगे, बोलती ये भी बोल सकते हो, बिकॉज़ ऐसा बोलो मेरे को आज तक जहाँ भी मिला मैंने नेशनलिटी इज इंडियन लेकिन रिलीजन इज हिंदू, सो अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदू मुस्लिम वाली चीज यार प्लीज यहाँ पे मत करो, हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं हुई यहाँ पे, सिर्फ हिंदू की बात चल रही है, तो आप मुस्लिम का नाम मत लाइए प्लीज, लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं सब चीजों में, हम सिर्फ हमारे हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, दैट्स इट, ओके माय मिस्टेक, सो सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट बट नॉट सॉरी फॉर दैट, हां उसके लिए नहीं, हां तो गाइस आज भी बस ये और यही एक तो यही आपको बोलना था, तो छोड़ दो, हाय मम्मी, यही आप लोगों को बोलना था, ये देखो ऑस्कर को देखो शाने को, ये खोल के चला गया, ये किन्ने खोला, अरे इतना सा खुला हुआ था, इन्हें नाक मार के खुला है अभी, खोला था खोला था, क्या आप दिखाना चाहेंगे, जैसे कि दिवाली पे लेन देन का त्योहार है, एक गिफ्ट आते हैं गिफ्ट जाते हैं, तो जैसे हमने भी अपने गिफ्ट दिए हैं किसी ना किसी को, कल के व्लॉग में एक तो पहले मैं ये दिखाना भूल गई कि जो डुगू आई थी तो डुगुए अपने घर की से बनी हुई मिठाई लेके आई थी, जो कि हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, पर मैं फिर भी दिखा देती हूँ, कल हम दिखा नहीं पाए थे, तो एक तो मिठाई के साथ दिखाओ, नहीं मिस्टिक, हाँ तो है जो ये उसने खुद ही डब्बा बनाया था आप दिवाली, इसमें ये सब तो हम घर पे ही बनाती है हमेशा, इसे देखो इस लड़के को देखो, बस इसको खाने है सब, और इनमें लड्डू भी थे जो हमने खत्म कर दिए हैं, वो बेसन के और लड्डू सबसे बढ़िया थे, इसमें बेसन के खुद से बनाए थे लड्डू, उसने खुद से बनाए थे बिल्कुल, तो ये आया था डुगू के यहाँ से, तो हमने डुगू को इस बार दिवाली पे कुछ नहीं दिया क्योंकि हमारा कुछ ऐसा प्लान था ही नहीं कि हम मिलने वाले हैं, और हमें ऐसा लगा कि शायद हम मिलेंगे तो हम लेके भी नहीं आए उसके लिए कुछ भी, और दूसरा था कि करिका आई थी एज यूजुअल घर पे, वो हमेशा उसका हर साल का है, हर साल होली दिवाली पे हम साथ ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर नीचे आसमान नीचे धरती ऊपर ऐसा कुछ भी हो जाए, लेकिन करिका और हम लोग होली दिवाली और बर्थडेज पे साथ हमेशा होते हैं, ओके चाहे वो हम बहुत अच्छे से मना रहे हो चाहे वो बहुत अच्छे से ना मना रहे हो, बट इस बार दिवाली पे उसने एक्चुअली कुछ ऑर्डर किया हुआ था हमारे लिए जो कि नहीं आया था, इसलिए उसने हमें दिवाली पे टाइम से नहीं दिया, बट पहले ऑस्कर को दिखा दे क्या कर दे, पम्पकिन से प्ले करेंगे, वो हैलोवीन कर रहा है, अशु पम्पकिन से प्ले करेंगे, ले चल दे दिया पम्पकिन, कौन प्ले करेगा, अशु प्ले करेगा, अशु इधर ले आओ, आ चल दिया
गाइस दिखाने से पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा नोलू खाता खाते ही इसके अंदर एनर्जी आ जाती है और ये खुद से अपनी चॉइस का टॉय लेके आता है प्ले करने के लिए, और अभी थोड़ी देर में बोर हो जाएगा तो जाके दूसरा टॉय ले आएगा, और इसको सारे के सारे टॉय ना 4-5 टॉय फैला देता है ये, दो बार इससे खेलेगा, दो बार किसी और से खेलेगा। पकड़ आशु, ओ फेंक दे फेंक दे फेंक दे। तो उसका को ये पम्पकिन टॉय बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो क्लैपिंग क्लैपिंग्स तो निकाला, ये वाले कलर का अच्छा उसको अट्रैक्ट करेगा। और चुकी पे लगते हुए ओके तो ये सब तो चलता ही रहता है हमारा घर आने के बाद ना, हमारा टाइम आधा हमारे ढोलू के साथ जाता है, कुछ टीवी देखने में, कुछ अपने आप को सही करने में। अभी हम कपड़े प्रेस करेंगे कल ऑफिस जाने के लिए, और आज हमने कुछ बनाया नहीं है रात को कि कल के लिए, क्योंकि कल लंच में क्या लेके जाना है वो हमने कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मैं आज मेहंदी लगा के बैठी थी, मुझे वैक्स भी करनी थी। जैसा आपको पता है कि हम जा रहे हैं ट्रिप पे, और कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, और किसी का कमेंट भी आया था कि क्या आप किसी से बात नहीं करते हो, तो क्या पता हम उनसे मिलने ही जा रहे हों, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। और किसी ने ऑलरेडी बता दिया या तो आप अफ्रीका या गुजरात या राज्य जा सकते हैं, तो हम आने वाले हैं आपके शहर, वो कौन सा शहर है वो आप हमें बताएंगे कि हम किसके शहर आने वाले हैं। तो अभी शहर वाली बातें छोड़ के मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारी करिका ने हमारे लिए क्या मंगवाया था। तो ये अभी आज उसने भिजवाया दिवाली के, इट्स अ बेडशीट, और सच में मुझे ये बेडशीट बहुत बहुत प्यारी लगी। एक तो मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है, मुझे डार्क कलर का ना कुछ नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों, बट ये इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है ना, मैं सोच रही हूँ बस इसके जैसे एक क्विल्ट और मंगा लेंगे हम, पतला वाला, एकदम पतला वाला कॉटन वाला है ना, जैसे तरह की वाला दोहड़ है, दोहड़ कहते हैं उसे क्विल्ट को, ऐसा वाले की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ। इसे दोहड़ कहते हैं, आई डोंट नो, बट ये गाइस ये इतने बड़े प्यारे प्यारे, मतलब यही प्रिंट है और ये पिलो कवर है, और सामने इसके साथ तो कुछ एक्चुअली ये दोहड़ उसका ही बना, क्विल्ट का ही बना हुआ है, ये छोटे छोटे कुशन सा है, क्यूट है। अब ये हम नाम ने बोला है कि हम क्रिसमस पे लगाएंगे, तब तक हम ये नहीं बिछाएंगे, तो जब क्रिसमस पे हम इस चादर को लगाएंगे तो पहले करना तो कर सकते हो ना, वरी एक दिन लगा देंगे फिर, क्योंकि मे बी नेक्स्ट मंथ नानू की दीदी आ रही है और बच्चे भी आ रहे हैं, तो बच्चे जब आएंगे तो हम लाइट बेडशीट तो नहीं बिछाएंगे, बिकॉज यू नो बच्चे गंदा कर ही देते हैं, तो शायद, और क्रिसमस में मे बी वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं क्रिसमस और न्यू ईयर पे, तो तब तो शायद हम ये नहीं बिछाएंगे लाइट बेडशीट, बट उससे पहले बिछा देंगे, उससे पहले हम आपको ये जरूर दिखा देंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ गई है। तो गाइज कभी भी आपको मुझे बेडशीट गिफ्ट करनी हो तो आप मुझे लाइट कलर का ही बेडशीट देना, डबल बेड की यही बाकी रह गया, जो आपको अच्छा लगे दे देना, मैं तो अपने सोच बता रही हूँ। देखो आपने हमारा घर देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें घर में कैसी कैसी चीजें, अतरंगी चीजें पसंद आती हैं, तो अगर आप घर डेकोर की कुछ चीजें देख रहे हैं तो आप कुछ ऐसा सही देखना जो मैं घर में अच्छे से लगा सकूं, तो ये घर डेकोर वाली बात हो गई। दूसरा कपड़े ऐसे, मतलब ये बेडशीट वगैरह ऐसे वाले, कर्टेंस आपने देख लिए हैं, कपड़े आपको मैंने पता ही है कि मैं कैसे कैसे पहनती हूँ, अपने इतने आउटफिट्स देख लिए, कपड़े तो रहने दो, इसको दूसरे के चॉइस पसंद ही नहीं आती है, ये तो रहने दे, ये तो बोल मत तू, कपड़े मुझे नानू की चॉइस पसंद आते हैं, ये तो श्योर है, और नानू मेरे लिए चॉइस कर लेती है, तो कपड़े मुझे नानू की चॉइस के पसंद आते हैं, मुझे भी पसंद होते हैं वो, और ज्वेलरी मैं पहनती नहीं, तो गाइस ज्वेलरी मिल रही बिल्कुल मत खरीदना, बस बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम लोग मीटअप प्लान कर रखा है और ये सारे हमसे मिलने आ रहे हैं और इन्होंने आपसे पूछ रखा हो ना, आप बताओ आपको क्या चाहिए, तो जब भी होगा ऐसे ही लिस्ट बताई जा रही है, बिल्कुल मीटअप होएगा ना हमारा, तो आप कभी खाली हाथ थोड़ी ना होगे मिलने वाले से, कभी तो कुछ ना कुछ तो लाओगे ना यार, मतलब अगर खाली हाथ आगे तो आ गए, मैं उनको प्यारा सा हक करूंगी, बस प्यारे से हक के लिए सारे खाली हाथ आएंगे, कोई बात नहीं, खाली हाथ है खाली हाथ, मेरे को कौन सा चाहिए, भगवान की दुआ से इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, घर की कमी कर हो जाएगा अपना है? तो घर हम बना लेंगे अपना जल्दी, होपफुली घर बंगला गाड़ी सब हो जाएगा,
बंगड़िया वाली कौन से नहीं दो तो बांगड़ी वाली होता है दोस्तों चार बंगड़ी वाली गाड़ी। तो गाइस जरा अभी टाइम हो रहा है लेट, हम जरा ऑस्कर को सुसु करा लाते हैं और नाइट रूटीन करते हैं। मेरा स्किन केयर हेयर केयर आपको जब ही मिल जाएगा, मैं कल शूट कर लूंगी, उसके बाद कल शूट कर लेंगे, ये हमारा भी शूट पे एंडिंग है। चलो Guys, meet. So, आज हम किससे मिले हैं? So, है इस नई किन से आंतिका? So, हमने अभी तक सिर्फ देखा है Insta stories और Insta पे ही. And आज हम live all of sudden पता नहीं कैसे मिल गए. ऐसे बहुत से friend से बनाने की. मेरा नहीं बन रहा है, अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है. नहीं Bristol अच्छा बन रहा है. Oscar के मजे आ गए हैं. ठीक है. इट वॉज सच एन अनएक्सपेक्टेड और हम बाहर तक नहीं आ रहे थे और हम ऑस्कर को लेके अभी रात के 1:30 बज रहा है तो हम ऑस्कर को लेके सुसु कराने आए थे और ऑल ऑफ सडन पता नहीं जाते हुए ये लेन से यहाँ पे अभी भरत मिलाप अच्छा तो गोदुआ गोदुआ रुक जा हाँ तो एज आप लोगों को ये तो पता है कि हम अपने पुराने वाले घर के आसपास ही लेन वेन में कहीं तो रहते हैं क्योंकि हम इतना दूर तो नहीं गए हैं। मलाड इज़ वेरी चिंचोली बंदर और हमारा मलाड वेरी छोटा सा ही है तो हम बस उसको घुमाने ही आए हैं और पता है गाड़ी में से ना ऐसे वो देख रहे हैं ऐसे कौन है गाड़ी में से तो ध्यान से देख रहा है और मैं भी ऐसे देख रही हूँ तो अचानक अचानक सुन की आवाज आई ईवी नानू चला रहे ईवी ईवी ना ईवी मैंने कहा हाँ ईवी नानू हम दोनों पलटे हाँ मैंने कहा ओ मैंने कहा फिर मैंने कहा अच्छा फिर उन्होंने खुद ही बताया शांतिका मैंने कहा ओ यस लेकिन शांतिका तो आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है बट येस निको शांतिका को हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा है एंड दे आर द वेल नोन फेस फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी आपने उनको बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आए हैं मैगजीन्स में आए हैं और अच्छे लेवल पे आए हैं हाँ तो और ऐसे ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेडली कोई मिल जाए तो इट्स लाइक और बहुत अच्छे से मिले यार वो इट्स लाइक वो लिटरली लग रहा था कि वो लिटरली गाड़ी से उतरी है अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ के और लिटरली और शांतिका ने निक को बोले अरे नीचे आओ ना दैट वाज क्यूट एक्चुअली क्योंकि वो एनीवेज ड्राइविंग सीट पे है तो फिर ऐसे कोई नहीं आता है वो एक्चुअली ना अंदर से ऐसे हाई कर रहा था हाँ हम तो एक्चुअली दूर खड़े हुए थे बट सीरियसली बहुत बहुत सही लगा हमें उनसे मिल के बहुत स्वीट है वो दोनों और अच्छा लगा इट वॉज अ नाइस टाइम नाइस मीटिंग विद देम क्यूट आइए और एनीवेज वो यहाँ पे हैं बट हम लोग शायद ये वीकेंड जैसे आपको पता है मे बी वीकेंड अदरवाइज हम पक्का मिलते हैं अदरवाइज हाँ हम लोग जरूर प्लान करते हैं इतने नजदीक रहने के बाद भी नहीं मिले तो क्या फायदा क्योंकि ये लोग बैंगलोर रहते हैं और ये हमें पता है कि वो बैंगलोर रहते हैं और लास्ट टाइम भी वो जब मुंबई में थे तो उन्होंने बोला था मिलने के लिए बट हम मिल नहीं पाए थे बट इस टाइम तो इतने नजदीक होने के बाद भी शायद ही मिल पाए बट आज वैसे तो मिल गए होपफुली एक दिन जरूर डिनर या फिर लंच साथ में ही करेंगे अब नेक्स्ट टाइम जब होगा वैसे ही होगा डन यस यस चलो गाइस घर चले चुकी हैं घर आ चुकी हैं घर वाओ बस नहीं निकलने जा रहे थे पता क्या हुआ मैंने अभी ना लाइट वाइट सब बंद कर दी थी फिर कह रही अरे व्लॉग तो एंड कर ले इसको याद था आज सरप्राइजिंगली इसको याद था ओके तो आज हम व्लॉग नहीं बनाने वाले आज हम सच में व्लॉग नहीं बनाने वाले थे और हमें नहीं पता था कि हमारे व्लॉग के लिए आज हमें इतना कंटेंट मिल जाएगा अपने आप पे इतना कंटेंट मिल गया देखो ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ होती है ना आपको स्टार्ट करनी होती है वो चीज़ अपने आप हो जाती है तो दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग जो आज हमने सोचा कि हम नहीं करेंगे लेकिन हमने स्टार्ट किया तो हमें आज होता गया करते करते ये देखो 15-20 मिनट का व्लॉग आई नो बन चुका होगा अब तक तो हो गया होगा ना 15 मिनट का तो बन गया होगा आराम से तो 15-20 ही बोला था मैंने पागल लड़के यार अभी बनने के बाद वो 15 होगा एनीवेज तो बस अभी सो जाते ज़्यादा बक बक नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को अभी नींद आ रही है कल ऑफिस जाना है और जल्दी उठना है इसकी बाबू की तबीयत खराब है खाना बनाना है कल सुबह खाना बनाना है मेरे को आटा भी गूंदना पड़ेगा कल तो चलो बाय गुड नाइट
बाय। खाना बनाना पड़ेगा सुबह। मैं सबसे अच्छा मैं लेट जाती तो मैं अभी थोड़ा एक्टिव फील करती हूँ। पहले जो मैंने रूटीन कर रखा था कल ऑर्डर करती हूं। मैं नहीं खा रही हूं ऑर्डर करके। आज भी रात को ऑर्डर करके खाएगा। ओए गाइस, मैं मोती होती जा रही हूं। बाय बाय। आपको करना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट फॉलो अस इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पर सारा लिंक। टाटा बाय बाय। गुड नाइट। टूडल गिजी गुजे। आई लव यू टीम। ओके मैं आंख ला लोगे। देखो देख देखिए हम देखिए नहीं देखिए देखो ध्यान से। ओके बाय। गुड नाइट टूडल्स।